अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी शाम दे नाल हाजिर हाँ। मैं नीलम और सबसे पहले तो मैं तो सारे मेहमानों ने शुक्रिया अदा करनी हाँ जेडे सा प्रोग्राम आए और सानू इज्जत बख्शी है और मैं उम्मीद करनी हाँ कि असा प्रोग्राम पसंद आ सी। इस प्रोग्राम में असा किता पोठवारनी सकाफत की उजागर कर सा और सुना सा तुसा की खूबसूरत पोठवारी शेर। असा ने नाल सिंगर ने जेड़े अज तुसा की शेर सुना सन आबिद कादरी साहब और इन्हों साथ देने जड़े ने उन्होंने सितार नवाज ने शौकत साहब हारमोनीयम ते ने राशिद महमूद कड़ा नवाज ने तारिक महमूद ते इश्तियाक अहमद। बड़ा खूबसूरत शेर साढ़े किता पटवार ने बुजुर्ग शायरे हाजी जवेद शमशाद साहब तो सरकार ने इस तरह फरमाया ओदा शुक्र गुजार साई उम्र सारी उस खाल के कुल ना सारी जिंदगी शुक्र गुजार सा हो इस वास्ते है ओदा शुक्र गुजार साई उम्र सारी मैनू जिसने खुश हो
करन तोड़ी क्यों ये जेड़ी साकी ने मैं परानी दिती शुक्र करो ओदा शुक्र करो करोड़ वारी इल्म उंदर ते फन दे गोर पारिये इल्म उंदर ते फन दे गोर पारे तरसा पेश दे रब्बे तौफीक दित्ती ये ओदा शुक्र वे करोड़ करोड़ वारी आसे मौता नचते हुए तौफीक दित्ती का पंजाब ने शायर हुए तो सरकार ने इस तरह फरमाया मौला बख्श अफशा सरकार अर्जू करने बारगाह रबी वो इस तरह रहमत दामी बरसा रब्बा कदा कदा इंसान ते बारगाह रबी जो अजमैशा आ जानिया लेकिन इंसान घबरा जाना तो सरकार इस तरह फरमाने रहमत दा मी परसा रब्बा क्या कर खेत मुझू गरीब दी अरी कर दे है रब्बे काबा बेल सुख गई आस उम्मीद वाली बेल सुख गई आस उम्मीद वाली पानी रहमत दा पाके तरी कर दे है रब्बे काबा इस गल की तस्लीम करना वो केड़ी गल है नेकी नहीं कीती नेकी नहीं कीती बेशकियां मुजरम लेकिन नहीं कीती ये तस्लीम करना मुजरम अतवाड़ा
लेकिन एक थोड़े के वास्ता वसीला पेश करना केड़ा लेकिन बेशकिया मुजरम पर उमती यार दा समझ के बड़ी कर दे मौला बख्श मोहम्मद दा वास्ता आई मौला बख्श मोहम्मद दा वास्ता आई मेरी खोटी तकदीर नू खरी कर दे जिस तरह मौला बख्श साहब ने बारगाह रब्बी चर्जो की कि या रब्बे काबा तुहाडे महबूब ने उमती हाँ तो अपने यार ने उमती समझ के मैं माफ कर दे तो फैसलाबाद ने एक शायर जनाब मोहम्मद हुसैन आफिस साहब सरकार फरमाने के रब इंज तकदा अपने बंदिया क्योंकि वह खालक है उस तखलीक की आदम ने उसकी बंदे नाल वैर नहीं है तो सरकार फरमाने के रब इंज तकदा अपने बंदिया किस तरह जिन्हें शफकत संग बेटे बाप तकदा आरफे खड़ी सरकार ने एक शेर है कि सरकार इस तरह फरमाया खालक मालक आप इलाई खालक मालक आप इलाई बिन लेंदा मंगे रोजी कारण सजदे करने नहीं असानू चंगे तो बगैर मंगने जे देना पिया तो इंजे सरकार इस तरह फरमाया कि जो दिता सो दिता मैनू एक से देवन वाले भवे रुखा भवे थिंदा भवे चरबर वाले उसनी अता है उसनी मर्जी है तो एक शेर थोड़े सामने सदफ साहब सरकार ना पेश है इन्हें तलक फैसलाबाद नाल है पंजाब ने लोके सरकार इस तरह फरमाया के सब गातुल्ला अल्लाह दे रंग अंदर बाजी अल्लाह दे कोई भी रंगदा नहीं सदके जावा ओदी तकसीम तू ओ क्यों ओ दे अंग बाजू कोई भी अंगदान लेकिन इधर गया गले नाल ने परे गुदाम की दिरे ये उसनी बेनियाजी है किसे पैसा बेबहारी से कथा कर देता
सर माल दौलता हता कर दिते एक पासा हो उसा नहीं तकलीक है जिन्हें को सुबह ना होना शामी ने नहीं होना तो सरकार फरमाने के गले नाल ने परे गुदाम किधरे किधरे आटा पड़ी बिच डंगू पर सदफ कौन देंदा पर सदफ कौन देंदा मेरे लब वांगू सदफ कौन देंदा बंदा के कुछ बैठे एहसान करे दुनिया पर हो ही सकना 7500 वासी मैं दाले और पर बड़ा एहसान किया लेखनो कैदा पर पोश है बेबहा मेहनत पे बंदे की देना कदा उस एहसान नहीं जतलाया सदफ कान देंदा मेरे रब वांगू जेड़ा दई जांदा मुड़ के मंदा नहीं पठवार ने सकाफत ने हवाले प्रोग्राम पेश होना पाया तो इसने गल शल भी बने तो एक शेर साढ़े खिता पठवार ने बड़े बुजुर्ग शायर पढ़े लिखे लोग होए जिन्हें सारी जिंदगी कुरानो हदीस नाल जिंदगी गुजारी वस्ता रहे तो एक शेर सरकार ना बड़ा सबक आवो उस तरह सरकार फरमाने के अनवर कुरैशी साहब ने इस तरह फरमाया कि शबे जुलमत थी नूरे सहर करके कर मनवार एक पल भी जान दसे जे ओ चावे ते लगदी आ देर केड़ी तुहाडे सामने नी मिसाल है दो त्रै साल गुजर गए जिहड़ा जलजला आया वादी कश्मीर विच कि सैकंड लगे ते बड़े बड़े टाइम लाए ते लोकां कोठियां अपने महल मकान बनाए ते सैकंड लगे ते खत्म हो गए निस्तो नबूद हो गए ये शान है मेरे रब ने तो सरकार फरमाने के जे तू चावे है रबे काबा जे तू चावे ते लगदी है देर केड़ी कारी आबादियां नू बड़े बड़े महल कोठियां अगर तू चाहे तो कह होना जे तू चावे ते लगदी है देर केड़ी कारी आबादियां नू भी आबान दसे जिथे आबादियां होनिया उथे तू वीराना कर देना है ये तुहाड़ी अपनी शान है रब्बे काबा पर हिक ना वेखिया नहीं अपने आप ताई हिक ना लाड संगला मकान दस अनवर चावे हिक ना वेखिया नहीं अपने आप ताई हिक ना लाड संगला मकान दसे बड़ा फलसफे वाला शेर है तो एक जाई अगर सरकार फरमाया के अनवर चावे ते तिफल नुनार हिकमत अगर तू चावे सैयदना हजरत मूसा ने सरकार लवा किया तो फिरौन ने कर परवेश पाई सरकार ने तो सरकार फरमाने के अनवर चावे ते तिफल नुनार हिकमत कार दुश्मन के कार
फिर जनाब बड़ा ही वाकियात इस बंद है शेर ने कि अनवर चावे ते तिफल नू कार दुश्मन दे जान परवान दसे ये तेरी अपनी शान है तो क्या सरकार ने इस तरह फरमाया ओ वे कान जो कातब दिया कानिया नू क्यों ओ वे कान जो कातब दिया कानिया नू नुक्ते बदल के सत्रा सवार सकते इलाके ने बुजुर्ग शायरे पटवार ने जनाब ना बड़ा प्यारा खूबसूरत शेर थोड़ी नजर है कि हर इंसानी जस्तजू तलब अपनी अपनी है अपनी अपनी सोच फिक्र ना मालक है कोई कह बार गाय रबी अर्जू करना कोई के तलब करना कोई के तलब करना लेकिन सरकार दसने के वो देन आला बुझाते खुद है जो चाहे किसी अता करता है जितना चाहे जिस चाहे कोई रुकावट नहीं उस इंसान तक है जिले वो नहंद है तो फिर दवाने वाला कौन तो कदा कदा पिछे थोड़े सामने में बड़ा खूबसूरत पेश करना कि उसनी जात ने हवाले नालो किस तरह सरकार फरमाने जिस तरह मियां साहब आपे खड़ी फरमाया सी माली दा कम पानी देना पर पर मशका पावे खालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे तो सरकार अनवर साहब इस तरह फरमाने आना बेलिया पैदा करना ना करना एक कम उसका इंसान थोड़ा क्या कम थोड़ी क्या ड्यूटी है पैदा करना ना करना एक कम उसका पर तेरा कम है बीज नू बो देना जे देवे जे ना देवे ते किला दला सकता पर रोक सकता नी मौला ने जो देना बड़ी खूबसूरत कली है शेर ने अंदर ओ इस तरह नहीं मनासब है बंदिया तो अलग है नहीं मनासब के गैर खुदा बाजू करना गिल्ला तकदीर नू रो देना तो आखरी फैसला किस तरह कीता नहीं कोई जुर्म फराक गरीब होना गरीब होना कोई जुर्म नहीं नहीं कोई जुर्म फराक गरीब होना बड़ी कीमती गल दसी सरकार ने जिस तरह डॉक्टर लामा इकबाल मुफक्किर इस्लाम ने फरमाया सी
खुदी को बेचकर मसनद खरीदने वालों अपनी अवस के बंदे बड़े बेजमीर होते हो तो खुदारी रहनी चाहनी है तो बाकी गरीब होना कोई जुर्म नहीं है तो सरकार फरमाने के नहीं कोई यार फराक गरीब होना बड़ा जुर्म ना खुदी नू शेर के सारे जहां की कनक अगर मेरे घर आ जाए थोड़ी बहुत ही नहीं सारे जहां की कनक अगर मेरे घर आ जाए मैंने रात को दो चपाती खानी है गलत पेट भरने नहीं है तो सरकार फरमाने के दे दिता जो उस दिन वाले बहुत काफी जनाब आबिद कादरी साहब जिन्हें अपनी आवाज एक बहुत खूबसूरत कलाम असा की सुनाया तो उम्मीद करनी है तो सारे की पसंद आया उसी इसे नाल ही असा इस प्रोग्राम की खत्म करनी है और तुसा कुछ मैं इजाजत चाहनी है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर हो सा तब तक इजाजत दियो अल्लाह हाफिज Tell me that you love me